हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। और ये देखिए, मेरा सुबह उठते ही काम शुरू हो गया। आज कोई हमारे यहाँ काम वाली नहीं आ रही है। एक्चुअली उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो नहीं आ रही घर बीच। और मैं झाड़ू लगा रही थी और उसके बाद मैंने किचन में झाड़ू लगाया। वो रहती है तो आराम रहता है, अपना झाड़ू ऊपर नीचे लगा देती है, पर आ नहीं रही है। पता नहीं क्या, वो दिखाई भी नहीं दे रही है कि क्या बात है, आ नहीं रही है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने नाश्ते में बनाया था साबूदाना की खिचड़ी। आलू रख दी थी पहले ही उबलने के लिए। जब मैं बाबू को तैयार कर रही थी तभी मैंने रख दिया था कि उबल जाएगी तो जल्दी थोड़ा बन जाएगा, तो मैंने आलू पहले ही उबाल दिया था। अब मैं इसे कद्दूकस करूँगी। आलू को कद्दूकस करने से थोड़ा अच्छा रहता है, घुल जाती है आलू, तो मैंने सोचा कद्दूकस कर दूँ आलू को। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था। आप लोग को जानते ही, हमारे यहाँ तीखा कोई खाता नहीं है, तो क्योंकि एक्चुअली मम्मी पापा को शुगर और बीपी रहता है, तो इसलिए नुकसान करता है ना, पेट की प्रॉब्लम रहती है मम्मी को, तो इसलिए मैं ज़्यादा तीखा बनाती भी नहीं। ज़्यादा क्या, बिल्कुल तीखा नहीं बनता हमारे यहाँ। तो मैंने कद्दूकस कर दिया आलू को। और बाबू हमारा स्कूल गया हुआ है, कद्दूकस कर लिया है। और टमाटर, हरी धनिया भी काट लिया है हमने। और साबूदाना को हमने सुबह ही भिगा दिया था ताकि अच्छे से वो फूल जाए। फूल जाता है तो अच्छा रहता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, क्योंकि पापा को हमारे थोड़ा दांत में प्रॉब्लम रहती है ना, तो इसलिए मुलायम रहता है तो खा लेते हैं। कुछ लोग चिप्स जैसे आलू काट के बनाते हैं, उस तरह भी बनती है साबूदाना की खिचड़ी, पर मैंने इस तरह बनाना उचित समझा, क्योंकि ताकि पापा भी आराम से खा लें, क्योंकि उनको खाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने उसको काफ़ी देर पहले फुलाया था। और उसके बाद पानी डाल के थोड़ा ज़्यादा मैं उसको गला दूँगी ज़्यादा, कि उनको दिक्कत ना हो खाने में। तो मैंने पचफोरन डाला है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, घी डाला था मैंने आपको दिखाया नहीं, देसी घी में बनाया था। और ये टमाटर डाल दिए हैं,
जब टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो धनिया पत्ता मसाला डाल के नमक डाल के बना दूँगी। अच्छा, आप लोग कैसे साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं, आप लोग क्या कैसे बनता है प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा कि आप लोग किस तरह बना के खा मतलब बनाते हैं साबूदाना की खिचड़ी। मैं तो इजली ऐसे ही बनाती हूँ, मेरे यहाँ सब ऐसे ही पसंद करते हैं। इनके पापा थोड़ा वैसे जैसे आलू काट के चिप टाइप का वो पसंद करते हैं इनके पापा, और ऐसे भी खा लेते हैं, जानते हैं कि पापा को दिक्कत है तो इसलिए ऐसे खा लेते हैं, जैसे भी दे दो बेचारे खा लेते हैं। धनिया पत्ता डाल दिया है, आवाज़ मैं बैक कैमरे से शो कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने मसाला लेकर डाल दिया है, सब्जी मसाला। अब उसको हम अच्छे से चला देंगे और इसमें पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही डाला था ताकि थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बने, इसलिए मैंने पानी ज़्यादा ही डाला था। ये मैंने नमक डाल दिया स्वादानुसार, आप जैसा खाते हैं आप अपने अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं, हल्का तेज जैसा जो पसंद करते हैं। अब मैंने इसको आँच को तेज कर दिया है ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। अभी आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये देखिए मेरा ये तड़का तैयार हो गया है। बस इसमें मैं जो मैश किया हुआ है साबूदाना और आलू दोनों मैंने मिला लिया है, और उसके बाद अच्छे से इसको थोड़े 5-10 मिनट के लिए भून लेंगे। और इस पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी डालने के बाद एक आध दो सीटी आ जाएगी। ये देखिए एक दो सीटी आ जाएगी तो फिर उसके बाद बंद कर देंगे, यानी साबूदाना की खिचड़ी तैयार हो जाती है। उसके बाद हम लोग खा लेते हैं नमू नमू करके। और
बाद मैं आती हूँ ऊपर अपने कमरे में, थोड़ा सा अपने फेस को देखती हूँ कि हाँ चेहरा थोड़ा डल हुआ है, तो उपटन मैंने सोचा रखा हुआ है लाव लगा लेती हूँ। तो मैंने उपटन और ये गुलाब जल को दोनों को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर रही थी, क्योंकि फेस पे ही लगाना था, पूरी बॉडी पे लगाने का समय नहीं था फिर उसके बाद, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ही लिया था। तो बस मैंने अपने फेस पे लगा लिया है, इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर देंगे। और 15-20 मिनट बाद आप इसको ठंडे पानी से धो लीजिए। बस ऐसे पूरे फेस पे अप्लाई करके 15-20 मिनट बाद सूख जाएगा, तो आप इसको ठंडे पानी से धो लीजिए। अगर आपको पूरी बॉडी में लगाना है तो आप नहाने से पहले आप उसकी पूरी बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत गर्मी में अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा फील होता है। तो मैंने सोचा लगा लेती हूँ। देखिए मैंने पूरे चेहरे पे लगा लिया है, आँखों के हिस्से को छोड़कर बाकी हर जगह लगा लेंगे। चलिए आपसे हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मैंने इसको चेहरे पर लगाया है, जाऊँगी थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद अपना फेस ठंडे पानी से धो लूँगी, बस सूख जाए। मैंने अपने फेस पे उबटन लगाया हुआ था, ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। कभी मन आता है तो लगा लेती हूँ, कि आज मैंने सोचा चलिए अब आज उबटन लगा लूँ अपने फेस पे। हे एवरीवन, अगर आपको यह मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर जो चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आपको मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।